जय हो सृष्टि माता, एक चूक माफ करना, सब जितना आपने सिखाया सब कवर कर दिया है। जय हो सृष्टि माता, हमारे बेटे की रक्षा कीजिए। जय हो सृष्टि देखो बाबा को दिखा लो सही। हाँ ठीक। मम्मी काजल कब तक लगा रहे? अब पोछा थोड़ी जाएगा, वो अपने आप गायब हो जाएगा, ऐसे लगा रहे हैं। बैठे हैं। हाँ ये अमृत आ जाओ, आ जाओ। लाइए भाई पंडित जी आ गए। बैठे हैं पंडित जी, थोड़ा पीछे। ये भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज है हर सृष्टि की पूजा। ये हर सृष्टि तुझे बताइएगा तब शुरू कर देंगे। शुरू करिए। शुरू है। शुरू करें। पापा हैं रोहित। लो बाबा को कथा खत्म हो जाए तो पापा से समाप्त हो जाए तो चढ़ाई कर दीजिए। ये चावल और फूल पापा को दे दो। बाबा को दे दो जाके। हमें भी चावल और फूल दे दिए। अमृत आप भी ले लो। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इस हल षष्ठी व्रत कथा को पढ़ के आपको सुना रहे हैं। बाकी आपको ध्यान देना पड़ेगा, भगवान में श्रद्धा आपको लगानी है, क्योंकि फल आपको ही मिलेगा। ठीक। सबको अपना, सबकी श्रद्धा अपनी होती है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज हल षष्ठी व्रत कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने इसको बंद कर लिया। अब सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ, ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी दीर्घायु और आरोग्य हो और उनकी संतान उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है?
इसके कौन देवता हैं, किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह व्रत प्रसिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था, उसको हस्ती नाम दशरथ पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। ये बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल में खेलता हुआ वो बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगरमच्छ उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय पुत्र शोक दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्यान्ह के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्म ज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा इसका शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे माहीपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिवजी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधिपूर्वक इस उत्तम व्रत को करे, इससे उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बताएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे, क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की निमित्त
जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाएं और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी पार्वती गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इनका पूजन करें और भक्ति भाव चित्त से इनका सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। शिवजी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले पांच मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि मृगी महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवजी को नमस्कार। पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का युक्त ये तो पूरी हो गई ना। शिवजी के जीवित निकल आया उनका पति चारों देवता की मूर्ति। हाँ बेटा जीवित निकल आया जैसे उनके दिन सबके दिन हो रहे। जय भगवान की जय भगवान की। फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ? ये वाली दूसरी है लग रहा। हाँ वो युधिष्ठिर वाली थोड़ी थी, दूसरी है। तो ये उन्होंने इनको नियम बताए। हाँ। ठीक है, अब आगे जो उन्होंने नियम बताए ये पूजा करने के, उनमें पहला उत्तम पुष्पों पूजन करें, फिर शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले पांच मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले तथा मृद मृग महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार करना चाहिए। फिर पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा कहना चाहिए। फिर हर कांता प्रकृति से श्रेष्ठ सुख और सौभाग्य दायिनी गौरी दात्री को नमस्कार करना चाहिए। इस तरह से स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र के साथ कौच पक्षी को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी हाँ नमस्कार। हाँ बुक पढ़ देंगे ये भी। हाँ? ये पूरी करते। हाँ पूरी कर दीजिए। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को लंबे उदर वाले सुंदर सुगण वाले एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक चंदन धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल बना भोजन करे और भैंस का दूध दही मट्ठा तथा घृत का भोजन करे। हे राजन इस व्रत को की ऐसी ही विधि है। ये अभी तक इसकी विधि चल रही थी, बीच में नमस्कार हो गया, ये भोलेनाथ की तो ये है कथा। अभी ये उनकी विधि बताई गई। राजा जब वहाँ पहुँचे जंगल में तब उन्होंने जो जिनको भेजा था जिसका पुत्र जीवित होके निकला था उसने राजा को ये विधि बताई कि इस तरह से करना चाहिए। तो उनका भी तो पुत्र जो है कि शुरू मर गया था। तो कथा ही है, कथा ही है। भोजन करें दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। ये इस व्रत का विधान दुर्वासा ऋषि ने बताया था राजा को। तब मगरमच्छ के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगे। जो उनके राजकुमार को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया था उस मगरमच्छ से उस राजकुमार ने को उस मगरमच्छ ने छोड़ दिया और वो निकलकर अपने माता पिता और दुर्वासा ऋषि के पास राजकुमार आ गया और बोलने लगा इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु बड़े पराक्रमी बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके राज्य में इति अर्थात अतिभ्रष्ट तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा
यह व्रत करने वाली उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति के विधि पूर्वक उद्यापन करे। सुवर्ण बैल भैंस गाय तथा ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण हमें हमको दे दक्षिणा दे, तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करे। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ है। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है, वो संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुछ पलश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा संपन्न हुई। बोलो हलषष्ठी भगवान की जय। यही वाली है, एक ही है दोनों। कोई मोबाइल में भी तो है, अब आरती कर लो। एक हो जाती है। और तुम्हें